तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आप सबको और एक स्पेशल वीडियो में और इस चैनल का स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही चुका है टाइटल देख के, फिर भी बोल देते हैं यहाँ पर आप लोगों को कि वीडियो का टॉपिक क्या है। यहाँ पर बोलने वाला है तीन ऐसे प्लेयर्स जिनको क्या ऑलरेडी भागेंगे, जरूरी भागेंगे, यहाँ पर मस्ट माइंड बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिनी ऑक्शन 2023 का जो मिनी ऑक्शन होने वाला है वहाँ पर इन तीन प्लेयर को यहाँ पर टारगेट करते हुए नजर आएंगे और मुझे लगता है खरीदने का चांसेस भी ज्यादा है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। वो तीन प्लेयर के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों पर रोशने वाला वीडियो जरूर इम्पोर्टेंट होने, कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए जरूरी इम्पोर्टेंट होने वीडियो, जरूर इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के नीचे लाइक बटन दिख रहे हैं, चैनल ऐसे क्रिकेट रिलेटेड तो भैया नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन है भैया, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, ज्यादा देर नहीं करके यहाँ पर थ्री जो प्लेयर्स यहाँ पर रखे हैं जिनको KKR मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स भाई, आमी KKR यहाँ पर हैशटैग आमी KKR देखे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन कौन यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन है, कौन कौन यहाँ पर KKR को बोलो वो जीत गोरे। यहाँ पर 2022 के मतलब इस सीजन की कहानी कुछ अलग थी, यहाँ पर खत्म किया था, यहाँ पर बहुत पीछे के दिस में यहाँ पर खत्म किया था। यहाँ पर जो है 10 टीम्स यहाँ पर खेले थे और बहुत ही खराब यहाँ पर मुझे लगता है भैया खराब परफॉर्मेंस हुआ था टीम के। यहाँ पर मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स था, यहाँ पर सही प्लेइंग 11 सटीक नहीं किया कर पाए थे, ये बिग प्रॉब्लम था इस सीजन। 2023 में स्ट्रेटेजी बढ़िया करके उतरना पड़ेगा, उसके आगे स्क्वाड तो ठीक करना पड़ेगा, उसके आगे ये जो तीन प्लेयर्स रखे ये तीन प्लेयर्स मुख्य भूमिका पालन कर सकते हैं इस स्क्वाड में आके। तो बस पहले प्लेयर के बारे में बात कर ले तो पहले प्लेयर का नाम है यहाँ पर बेन मैकडरमॉट। हाँ भैया आप लोग नाम यहाँ पर अपरिचित लगता है मुझे, आप लोग नहीं सुनेंगे बेन मैकडरमॉट का नाम, पर ये बहुत ही एक लाजवाब कड़ाकेदार प्लेयर है ये भैया जो है। बिग बैश लीग का इनका एक्सपीरियंस है, बिग बैश लीग में 74 मैच खेल चुके हैं, इनका प्रोफेशन कह देते हैं यहाँ पर। ये विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपनर के तौर में खेलते राइट हैंडर और KKR को इनको जरूरत है क्योंकि भैया एक विकेट कीपर बैट्समैन जरूरत है। शेल्डन जैक्सन उतना बढ़िया कर नहीं पाया, सैम बिलिंग्स भी उतना बढ़िया कर नहीं पाया, हालांकि इनको मैच ज्यादा नहीं दिया, पर बेन मैकडरमॉट एक बढ़िया प्लेयर है विकेट कीपर एज अ ओपनर, एक खेलेंगे राइट हैंडर के ओपनर, लेफ्टी राइट यहाँ पर वेंकट अय्यर के साथ बेन मैकडरमॉट भैया बहुत ही बढ़िया लाजवाब जोड़ी होगा। तो जिसके इस प्लेयर के स्टैट बता देते हैं, स्टैट्स बिग बैश लीग में एक्सपीरियंस है, 74 मैच में यहाँ पर 2139 रन मतलब 2139 रन जड़ चुके हैं, एवरेज है इनका 36.88 मतलब बहुत ही बढ़िया शानदार 37 का आसपास का एवरेज है, मतलब T20 में 37 का आसपास एवरेज है, मतलब बहुत ही कड़ाकेदार प्लेयर है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 138.9 मतलब प्राय यहाँ पर 139.40 के पास, मतलब T20 में 139.40 मतलब बहुत ही होते हैं आप लोग पता है। तो गाइस इसके बाद जैसे जल्दी आते हैं भैया दो नंबर के प्लेयर एडम जैम्पा पे आए। तो गाइस ये ऑस्ट्रेलिया स्पिनर आईपीएल में इनके करियर की बात करें तो गाइस मैचेस इन्होंने 14 खेले, विकेट इन्होंने 21 लिया और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में 3 नंबर पे आईपीएल हिस्ट्री में नाम लिखा है, बोल देता हूं बेस्ट बॉलिंग फिगर है इनका 19 रन देके 6 विकेट्स इन्होंने निकाले थे, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स यहां पर है, 3 नंबर पोजीशन कायम किया है आईपीएल हिस्ट्री में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में। और ये जो इनका खासियत है प्रति यहां पर 13 बॉल्स में 1 विकेट करके विकेट लेते हैं, अभी का जो हिस्ट्री रहा है इनका आईपीएल का। तो गाइस इसके बाद जैसे जल्दी आते हैं भैया 3 नंबर एंड लास्ट प्लेयर है यहाँ पर बेन स्टोक्स, जानते हैं नाम समझ के नाम सुन के जाने गए होंगे कि कितने महान प्लेयर हैं यहाँ पर, एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं, एज अ ओपनर एज अ फिनिशर भी खेल सकते हैं, ओपनर नहीं होंगे क्योंकि बाएं बाएं मुझे नहीं लगता करेंगे अगर इनके टीम में आए तो भैया एज अ फिनिशर आंद्रे रसल एक तरफ और यहाँ पर जो है बेन स्टोक्स एक तरफ, आंद्रे रसल कहेंगे भैया हम आंद्रे अंदर है तो गेंद बाहर जाएगा और ये स्टोक्स बोलेंगे हम स्टोक्स है मतलब हमारे बैट के स्ट्रोक्स है यहाँ पर गेंद बाहर जाएगा। तो गाइस राइट लेफ्ट भी यहाँ पर फिनिशर हो जाएंगे, कड़ाकेदार यहाँ पर फिनिश देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर कोलकाता में ये आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर इनिंग्स आईपीएल के कैरियर के बात करते हैं, इनिंग्स 42 खेला है, 900 के ऊपर रन है, एवरेज भी बहुत ही बढ़िया है, सेंचुरी यहाँ पर बात करें तो 2 सेंचुरी आईपीएल में लगा चुके हैं, स्ट्राइक रेट की बात करें तो गाइस 134.5 मतलब 134.5 यहाँ पर बात करें 135 के आसपास बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट है आईपीएल में, मतलब बहुत ही बढ़िया है। एज अ बॉलर की बात करें आप भैया इनिंग्स यहाँ पर 37 खेले, विकेट निकाले 28 मतलब बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, आप लोग पता चल ही चुका होगा स्टैट्स सुन के, 37 इनिंग्स में 28 विकेट, इकोनॉमी 8.5 के आसपास, 8.5 रन प्रति ओवर के आसपास इकोनॉमी है। तो गाइस ऑलरेडी यही जो तीन प्लेयर्स मैंने बताया यहाँ पर में से मैं मोहर लगाना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बेन मैकडरमॉट में क्योंकि इनके जैसे प्लेयर को यहाँ पर बहुत जरूरत है कोलकाता को। तो गाइस तीन ही तीन प्लेयर यहाँ पर कोलकाता जरूर जाएंगे मैं बोल देता हूँ, तीन प्लेयर में मोहर लगा लीजिए। तो गाइस वीडियो आज का इतना ही था, वीडियो आपको थोड़ा जितना अच्छा लगा तो फटाक से लगा, चैनल को आप सब नीचे जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं आपके साथ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जय।